विशाल मुर्गा रेस। चंदनपुर गांव में एक सन्यासी जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा पेट भर दो, मेरा पेट भर दो। अरे सुनती हो, गांव में पहले ही सूखा पड़ गया है और हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर में केवल दो मुर्गे ही हैं। ये तो सन्यासी है सन्यासी, ये तो मीट मछली भी नहीं खाते, लेकिन इतनी मुसीबत के समय अगर इन्हें भूखा भेज दिया तो कहीं गांव को श्राप ना दे दे। ठीक है वो ही खिला दो, उनकी भूख के मारे जान निकली जा रही है। गांव का मुखिया मुर्गे पकाकर बाबा के सामने रख देता है। वाह बेटा, ये खाकर तो मेरी भूख शांत हो गई, तुमने मुझे क्या खिलाया था, मैंने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। क्षमा करना सन्यासी बाबा, ये तो घर में बचे हुए दो मुर्गे थे। सत्यानाश, तूने मुझे मुर्गे खिला दिए, मेरा पेट तूने भर दिया, इसलिए गांव का सूखा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सन्यासी को मुर्गा खिलाने के कारण तेरे घर इतने विशाल मुर्गे होंगे कि उनका पेट भरना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सन्यासी ने जाते जाते दो अंडे मुखिया के घर रखे और चला गया। कुछ दिनों बाद उसमें से मुर्गे निकले और देखते ही देखते वो इतने बड़े हो गए कि मुखिया दिन रात उन्हें खिलाने पिलाने में लगा रहता, लेकिन मुर्गे थे कि उनका पेट नहीं भरता। मैं ये दोनों मुर्गे पाल नहीं सकता, इसलिए एक मुर्गा मैं जंगल में छोड़ाता हूँ और दूसरा अपने घर रखता हूँ, हम एक का ही पेट भर सकेंगे। दूसरी तरफ सन्यासी ने देश के राजा के पास गया, राजा ने उसे पेट भरकर खाना दिया, तो सन्यासी ने राजा को भी एक बड़ा मुर्गा दिया। अरे महाराज, ये मुर्गा तो बड़ा अनोखा है। पिताजी, मैं इस मुर्गे पर सवारी करूंगी। बेटी, ये मुर्गा बहुत तेज भागता है, तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। लेकिन राजकुमारी खुद के मुर्गे पर बैठ जाती है और मुर्गा उसे लेकर पूरे शहर घूमता है। और चंदनपुर पहुंच जाता है। राजकुमारी को बहुत प्यास लगने लगी। राजकुमारी ने देखा मोहन पेड़ पर लकड़ियां काट रहा था। मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? अगर तुम मुझे इस मुर्गे की सवारी कराओगी तो तुम्हें पानी मिल जाएगा। राजकुमारी मुर्गा मोहन के हवाले कर देती है। मोहन उस पर चढ़कर बैठता है और अपने पानी की बोतल राजकुमारी को देता है। मुर्गा मोहन और राजकुमारी दोनों को ही अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे गांव की सैर कराता है और वापस मोहन को उतार देता है। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। अरे मैं एक साधारण आदमी हूँ जी, और आप राजकुमारी हैं, हम दोनों की भला शादी कैसे हो सकती है? राजकुमारी वापस जा रही थी तो उसे फिर से सन्यासी मिलता है। बेटा चलता चलता थक गया हूँ, क्या तुम मुझे अपने मुर्गे पर बैठाकर गांव की सीमा के बाहर छोड़ दोगी? राजकुमारी सन्यासी बाबा को मुर्गे पर बैठा लेती है। मुर्गे से उतरकर सन्यासी बाबा कहते हैं, अब बोल राजकुमारी क्या चाहती है? बाबा, मैं मोहन से ही शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तू जाकर अपने पिता से कहना कि तू इस मुर्गे पर सवारी करने वाले लड़के से ही शादी करेगी, तेरा काम हो जाएगा। राजकुमारी पिता के पास पहुंचती है और कहती है, पिताजी आज से इस मुर्गे पर सिर्फ मैं ही सवारी करूंगी और ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जो मुर्गे पर सवारी कर सके। महाराज ने घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, देश विदेश के लोग राजकुमारी के स्वयंवर में आमंत्रित हैं, जो राजकुमारी को मुर्गे की रेस में हरा देगा वही राज्य का अगला वारिस बनेगा। राजा की घोषणा चंदनपुर तक पहुंची तो चंदनपुर के सभी जवान लड़के अपने अपने मुर्गों को मोटा ताजा बनाने के लिए खूब खाना खिलाने लगे ताकि मुर्गे बड़े हो जाएं और वो उस पर सवारी कर सके। बेटा राघव, ये इनाम तुझी को मिलना चाहिए, लेकिन एक ही मुसीबत है, एक बड़ा मुर्गा जंगल में भी है, अगर वो किसी को मिल गया तो वो भी जीत सकता है। राघव अपने दोस्तों के साथ मुर्गा पकड़ने जाता है।
लेकिन मुर्गा गांव के मोहन को मिल गया। मोहन मुर्गे को चुपचाप पकड़कर अपने घर ले आया। रात भर उसको खिलाता पिलाता रहा, लेकिन ये बात जब मुखिया को पता चली तो उसने मोहन के मुर्गे का गला कटवा दिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, ये मुर्गा तो मर गया, अब भला मैं मुर्गे की रेस में कैसे भाग लूंगा? तभी वहां राजकुमारी आ जाती है। मोहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुर्गे की गर्दन को फिर से सिल दो और इसके अंदर चमड़ा भर दो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन आखिरकार ये मुर्गा दौड़ेगा कैसे? वैसे भी मुर्गे अपने ऊपर उसी को बैठा सकते हैं जिसको वो पहचानते हैं, मैं तो हार जाऊंगा। राजकुमारी उसे अपनी योजना बताती है। आखिर रेस का दिन आ जाता है। देखिए, आपके सामने राजकुमारी अपने मुर्गे पर बैठी हुई है और इस मुर्गे के साथ रेस में सभी लोग अपने अपने मुर्गे को लेकर मैदान में आ जाएं। इतने विशाल मुर्गे तो केवल मुखिया के बेटे राघव और मोहन के पास ही होते हैं। दोनों अपने अपने मुर्गे लेकर मैदान में आ जाते हैं। मोहन रेस जीत जाता है। महाराज, मोहन का मुर्गा नकली है। महाराज मुर्गे की जांच करवाते हैं। मुर्गा जीता जागता और असली होता है। लेकिन महाराज, मैंने तो इसके मुर्गे का सर कटवा दिया था। मुखिया को बेड़ियों में जकड़ लिया जाता है। अच्छा राजकुमारी, ये बताओ मरा हुआ मुर्गा आखिर दौड़ने कैसे लगा? महाराज, मोहन का मुर्गा तो ये है जिस पर मैं बैठी हुई हूँ। मोहन तो मेरे मुर्गे पर दौड़ रहे थे। उसने उसे इसलिए नहीं गिराया क्योंकि जब मैं तुम्हारे गांव आई थी उस दिन उसने इस पर बैठकर सैर करी थी, इसीलिए ये तुम्हें पहचान गया। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और मोहन जीत जाता है। मदनपुर गांव में रमेश और जयेश नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसाल देता था। एक दिन रमेश और जयेश गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। तभी गांव के मुखिया सुदेश काका वहां आ गए। रमेश और जयेश को वहां बैठा देखकर बोले, दिन भर बस यहां बैठे रहते हो, कभी कुछ काम ही कर लिया करो। तुम्हें पता भी है गांव में कितनी दिक्कत चल रही है, पर तुम्हें क्या, दिन भर मटर गश्ती करते रहो। काका, ऐसा क्या हो गया गांव में? अपने घर जाकर अपने घर वालों से पूछो। अरे अरे, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारा तो घर नहीं तो घर वाले क्या होंगे? सुदेश काका की बातें सुनकर जयेश गुस्से में बोला, काका आप ऐसे कुछ मत बोलिए, रमेश मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई, मेरा परिवार, सब कुछ है। तो सोच समझ कर बोलिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जयेश का गुस्सा देखकर रमेश ने बात संभालते हुए सुदेश काका की ओर देखकर कहा, काका ये जयेश तो कुछ भी बातें करता है, आप भी तो हमारे परिवार में है ना, ये पूरा गांव हमारा परिवार है। हाँ हाँ, दिखता है, वो तो गांव में पहले ही बहुत परेशानी चल रही है, तुम लोगों से बात करके मैं खुद का समय बर्बाद ही करूँगा। आप हमें बताइए काका, अगर हम कुछ मदद कर सके तो। रहने दो रमेश, इनको हमारी मदद की नहीं हमें ताने देते रहने की जरूरत है, क्योंकि इनके जीवन का यही तो एक उद्देश्य है। जयेश की बात सुनकर सुदेश काका वहां से मुंह बनाकर चले जाते हैं। तुम पागल हो क्या? ये हमारे गांव के लोग हैं, हमसे बड़े हैं, हमारे परिवार के जैसे हैं, हमें इनकी तकलीफ समझनी चाहिए, ना कि ऐसी बेवकूफी करनी चाहिए। अच्छा, क्या तकलीफ समझे इनकी? क्या हमने पूरे गांव का जिम्मा उठा रखा है? अच्छा, मतलब तुम गांव की परेशानी में मेरा साथ नहीं दोगे, मतलब मैं खुद को अकेला मान लूं? जयेश रमेश की बातें सुनकर बोलता है, तू मेरा दोस्त नहीं सब कुछ है, मैं तेरे लिए इन गांव वालों का साथ दूंगा, अभी चलकर पता करते हैं कि गांव में तकलीफ क्या है। रमेश और जयेश दोनों सुदेश के घर जाते हैं। सुदेश घर के बरामदे में परेशान बैठा चाय पी रहा होता है। रमेश और जयेश आगे बढ़कर बोलते हैं, सुदेश काका क्या परेशानी है गांव में, हमें बताइए, हम भी इसी गांव का हिस्सा है, हमें जानने का पूरा हक है। हाँ काका, आप बहुत परेशान हैं, हमें पता है,
हमसे अपनी परेशानी बांट कर तो देखिए, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। सुदेश काका रमेश और जयेश की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हमारे गांव के किसानों के पास मशीनों की बहुत कमी है, इस वजह से वो अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं और इसी कारण उनका बहुत नुकसान होता है। मेरे पास भी इतना पैसा तो नहीं है कि मैं गांव के हर किसान की मदद कर सकूं। काका आप परेशान ना होइए, हम कोई अच्छा रास्ता खोजते हैं। रमेश और जयेश गांव के और सुदेश काका के बारे में सोचते सोचते घर जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक कागज उड़ता हुआ आया जिसमें बाइक रेसिंग की प्रतियोगिता का लिखा होता है। दोनों कागज देखकर एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ जयेश, अगर हम ये रेस जीत गए तो गांव के कई लोगों की मदद कर सकते हैं और सुदेश काका की मुश्किल भी खत्म कर सकते हैं। हाँ, और कई लोगों की नहीं सबकी मदद कर सकते हैं। 20 लाख का इनाम है, 20 लाख। हाँ यार, पर हम बाइक कहाँ से लाएंगे? अरे मेरे पास एक तरकीब है। क्या? मेरा एक दोस्त है विक्रम, वो स्पेशलिस्ट है बाइक बनाने में, हम उससे मिल लेते हैं। हाँ हाँ, ये बढ़िया रहेगा। रमेश और जयेश दोनों विक्रम के घर की ओर चल देते हैं। विक्रम घर पर बैठकर बाइक ही बना रहा होता है। जयेश विक्रम के पास जाकर उसको सारी बातें बताता है। विक्रम जयेश और रमेश की बातें सुनकर बोलता है, इन गांव वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया फिर भी तुम इनकी इतनी मदद कर रहे हो। हमें एक बाइक चाहिए रेस करने के लिए। लेकिन मेरे पास अभी कोई बाइक नहीं है जिससे तुम रेस कर सको। ऐसी बाइक तो बनानी पड़ेगी और मेरे पास अभी बाइक की बॉडी नहीं है, बस इंजन ही है। अरे तो एक काम करो ना, तुम एक कागज की बाइक बनाओ, हम दोनों भी मदद करेंगे। बॉडी तुम कागज की ही बनाना और इंजन अपना लगा देना। आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो फिर लग जाते हैं काम पर। मैं इतनी बढ़िया बाइक बनाकर दूंगा जिससे तुम दोनों आसानी से रेस जीत जाओगे। रमेश और जयेश दोनों मिलकर विक्रम के साथ बाइक बनाने में लग जाते हैं और कुछ देर की कड़ी मेहनत के बाद वो लोग कागज की बाइक बना लेते हैं जो दिखने में बहुत ही शानदार लग रही थी। तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब तुम आराम से ये रेस जीत सकते हो इस कागज की बाइक की मदद से। रेस से पहले हम इसको चलाकर देखना चाहते हैं। आहा, ले जाओ, बस ये रेड बटन मत दबाना। ठीक है। रमेश और जयेश दोनों कागज की बाइक पर सवार होकर पूरे गांव में घूमते हैं। गांव वाले ऐसी अनोखी बाइक देखकर चौंक जाते हैं और दोनों की बाइक देखने के लिए भीड़ लग जाती है। दोनों खुशी खुशी अपनी बाइक सभी को दिखाते हैं। अगले दिन होने वाले रेस की प्रतियोगिता में भी शामिल होने की बात भी बताते हैं। आया जी, कल हम इसी पेपर बाइक से रेस में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे। दोनों अगले दिन होने वाले रेस में पहुंच जाते हैं, रेस में हिस्सा लेकर जीत जाते हैं और 20 लाख रुपए का इनाम लेकर गांव आ जाते हैं। गांव वाले ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। सुदेश काका भी दोनों से अपने किए के लिए माफी मांगते हैं और बोलते हैं, बेटा मेरी ही गलती थी कि हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमें माफ कर देना। अरे कोई बात नहीं काका, आप हमारे बड़े हैं, आप हमें कुछ भी कह सकते हैं। काका ये लो पैसे और गांव वालों की मदद के लिए जो हो सके करो। सुदेश काका रमेश और जयेश को गले लगाते हैं और सब गांव वालों के साथ मिलकर रहते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।